मेरा नाम राजेश कुमार जैन, मैं काठमांडू नेपाल से आया हूँ। मैं डॉक्टर साहब का जो है वो आज से 10 दिन पहले जो ये YouTube में उनका देखा था। ऐसे तो मैं 1 महीने से उनका देख रहा था, पर क्या हुआ कि एक दिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, और जिस चीज़ के बारे में आ रहा था वो प्रॉब्लम मुझे भी थी, तो मैंने उस वीडियो को कम से कम देखा, आधी घंटा एक घंटा देखा, 2-3 वीडियो देखा। देखने के बाद मैं प्रभावित हुआ उनके वीडियो से, मुझे लगा कि ये सच में ऐसा होता है। तो मैं क्या किया कि विद इन 3 दिन के बाद में ही, क्योंकि दिवाली थी, दिवाली के दूसरे दिन ही मैंने जो है अहमदाबाद की टिकट बनवाई, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा बिस्तर से आत्मविश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊँगा। और मेरे एक मित्र रहते हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी बात की थी, तो वह बोला मैं डॉक्टर साहब को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो तुम कोई टेंशन नहीं है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ आया, और मैं जब ये डॉक्टर साहब का आज जैसे आज शुक्रवार है यहाँ, आज ही मैंने सुबह यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आया था मैं, तो मुझे विश्वास नहीं, मतलब क्या बताऊँ मैं कि दवाई देने के बाद में, मतलब विगत कई सालों से मुझे ये प्रॉब्लम थी, और मुझे लगा नहीं था। मुझे काठमांडू में डॉक्टरों ने बोला कि तुम्हारी जो है नसें सब बंद हो गई है, अब यह ट्रीटमेंट तुम्हारा हो नहीं सकता है। तो मुझे भी लगा कि जब हो ही नहीं सकता है तो फिर मैं उस पर केयर भी नहीं किया कभी भी। इनका देखने के बाद में मुझे इतना लगा कि मैं 2 दिन के भीतर में, जबकि मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैंने फ्लाइटों का रेट भी नहीं देखा, महंगा हो सस्ता हो मुझे जाना है तो जाना है, मुझे भीतर से इतना आत्मविश्वास था। और मैं आया और मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेने के बाद में रियल में मैं बताता हूँ कि मुझे मित्र ने मेरे फ़ोन किया, और जिस कान में मुझे प्रॉब्लम थी उस कान में जब मैंने मतलब फ़ोन पे बात की तो मुझे जो है सुनाई दी, तो मुझे इतना मतलब जो है आत्मसंतुष्टि हुई है। इसीलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप मतलब निसंकोच यहाँ पे जो है आप इलाज के लिए आइए, इलाज बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, डॉक्टरों की टीम भी बहुत अच्छी है और काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं सीरियल में बताऊँ तो कि जिंदगी में मुझे जो है कुछ नयापन मिला, ऐसा मुझे महसूस हुआ है।